भारतीय वाल्मीकि समाज ने विरोध जाहिर करते हुए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय वाल्मीकि समाज के लोगों ने थाना नागफनी की पुलिस के खिलाफ लगाए नारे और करा प्रदर्शन। वाल्मीकि नगर दौलतबाग में बिजली घर के सामने लगभग 30 से 35 वर्षों से गरीब वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे हैं, जिन पर अपने बेनामी तथा हाउस टैक्स की रसीद है तथा नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सभी सुविधाएं दी जा रही हैं और ये लोग नगर निगम द्वारा निर्धारित हाउस टैक्स भी अदा कर रहे हैं। इसके बाद भी थाना नागफनी की पुलिस उस भूमि को अपना बता रही है और यहाँ पर रहने वाले सभी अधिकतर सफाई कर्मचारी तथा वाल्मीकि समाज के लोग हैं। इन सभी लोगों के पास रहने का दूसरा साधन नहीं है। इधर सरकार बेघर को घर दे रही है तो उधर थाना नागफनी की पुलिस गरीब लोगों को बेघर करने को तैयार है। इसी को लेकर भारतीय वाल्मीकि समाज ने हाथों में कैप्शन लेकर विरोध जाहिर करते हुए भारी प्रदर्शन किया। इसी के संबंध में रवि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि युगों युगों से भारतीय वाल्मीकि समाज पर जुल्म किया जा रहा है। मुरादाबाद में वाल्मीकि दौलतबाग में जो 20 से 25 वर्ष से लोग रह रहे थे उनके मकान तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। बंगला गांव चौकी इंचार्ज ने वहां पर बोर्ड लगा दिया है और टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर आकर अपने मकान खाली नहीं करे तो मकान को हम बुलडोजर से तोड़ देंगे। सरकार गरीबों को मकान फ्री में मुहैया करा रही है और दूसरी तरफ इनका चौकी इंचार्ज दलित वाल्मीकि समाज के लोगों के मकान को तोड़ने का काम कर रहा है। आगे बताया कि सफाई कर्मचारी समाज का वे अंग है जो पूरे समाज की सेवा करता है। अगर वे जमीन अवैध थी तो उसे पुलिस की निगरानी में क्यों बनने दिया गया? अगर पुलिस को दलित वाल्मीकि समाज के लोगों का घर उजाड़ना ना हो तो हमारी खुली चेतावनी है कि अगर पुलिस ने एक भी मकान तोड़ने की कोशिश की तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरेगा और शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं पूरे मंडल का वाल्मीकि समाज अभी इकट्ठा होने जा रहा है। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो इसका परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम रवि द्रविड़ है और समस्या हमारी वही है, युगों युगों से वाल्मीकि समाज पे उत्पीड़न किया जा रहा है। संगला मुरादाबाद में वाल्मीकि नगर दौलतबाग के अंदर जो 20 वर्ष से 25 वर्ष से पहले रह रहे थे उनके मकान 30 साल लगभग हो गए, उनको मकान तोड़ने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है। मंगला गांव चौकी इंचार्ज ने हट धर्मी करके वहां पर बोर्ड लगा दिया है और टाइम दिया है कि 24 घंटे के अंदर आपने खाली नहीं करे तो मकान हम बुलडोजर तोड़ देंगे। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार गरीबों को मकान मुहैया फ्री में करा रही है, एक तरफ इनका चौकी इंचार्ज दलित वाल्मीकि समाज के मकानों को तोड़ने का काम कर रहा है, उनको बेघर करने का काम कर रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारी समाज का वो अंग है जो पूरे समाज की सेवा करता है। अगर वो जमीन अवैध थी तो उसको पुलिस की निगरानी में क्यों बनने दिया, क्यों लोग वहाँ रह रहे थे? अगर पुलिस को दलित वाल्मीकि समाज के लोगों के घर में उजाड़ने हैं तो हमारा खुला चैलेंज है, अगर पुलिस ने एक भी मकान तोड़ने की हिमात की तो पूरा वाल्मीकि समाज सड़कों पर होगा और शहर की सभा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, क्योंकि वाल्मीकि समाज अपने घर रखाने के लिए वहाँ मुस्तैद रहेगा और मुरादाबाद का नहीं पूरे मंडल का वाल्मीकि समाज में इकट्ठा होने जा रहा है। हम मंडल आयुक्त महोदय मिले और जिलाधिकारी महोदय मिलना है, अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो इसके परिणाम प्रशासन को भुगतने पड़ेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि।